अगर आप किसी संस्था के सचिव या किसी अन्य पदाधिकारी के हैसियत से कोई सूचना मांगते हैं तो वह सूचना आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि तब आप सूचना के अधिकार एक्ट में दी गई नागरिक की परिभाषा में नहीं आएंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो नागरिक को सूचना का अधिकार देता है, किसी संस्था को नहीं। अपने एक निर्णय में सूचना आयुक्त ने नागरिक शब्द की नई और दिलचस्प व्याख्या की, जिसके अनुसार प्राकृतिक व्यक्ति ही नागरिक की परिभाषा में आता है। मोदी नगर के टेक्सटाइल मिल मजदूर संघ के सचिव ने मिल के बारे में कुछ सूचनाएं मांगी थी। श्रम विभाग ने इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि एक्ट में केवल नागरिक ही सूचना मांग सकते हैं, किसी संस्था के सचिव नहीं। इस मामले की सुनवाई के बाद सूचना आयुक्त श्री मिश्र ने अपने फैसले में कहा कि सूचना का अधिकार एक्ट की धारा 6(1) में व्यक्ति शब्द का प्रयोग है, जो कि जनरल क्लॉज एक्ट में व्यक्ति की परिभाषा में प्राकृतिक या ज्यूरिस्टिक पर्सन दोनों को रखा गया है। लेकिन RTI एक्ट की धारा 6 को धारा 3 के साथ पढ़ना चाहिए, जिसमें सूचना सिर्फ नागरिक मांग सकता है। सिटीजनशिप एक्ट में सिटीजन केवल प्राकृतिक व्यक्ति नेचुरल पर्सन को माना गया है। भारत संविधान में भी प्राकृतिक व्यक्ति को ही सिटीजन माना गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों का लाभ भी केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही प्राप्त होगा, संस्था या कॉरपोरेशन को नहीं।